अब बात होती है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। ये फिगर है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इट इज शेडेड पोर्शन। सो होल शेडेड पोर्शन इज इंडिकेटेड एज ए इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, इट इज इंडिकेटेड एज इंटीरियर। ऑन द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल हियर पॉइंट एम, सो पॉइंट एम ऑन द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगुलर रीजन कितना हो गया, ये अंदर का जो पोर्शन है वो ट्राइंगुलर रीजन है, उसमें पॉइंट ओ को रिप्रेजेंट किया गया है। और एक्सटीरियर मीन्स इस ट्राइंगल के बाहर का जो पोर्शन है वो आपका कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने बहुत छोटा सा एक पॉइंट बनाया है जिस पॉइंट की पोजीशन जो है वो ट्राइंगल के बाहर है। ये देखिए पॉइंट है ना, इसकी पोजीशन ट्राइंगल के बाहर है। जैसे ये पॉइंट ओ था, इसकी पोजीशन ट्राइंगल के अंदर थी, तो इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल है। इस फिगर में बाउंड्री ऑन द ट्राइंगल है, बट यहाँ पर जो पॉइंट है वो आपका एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल है, मीन्स ये पॉइंट आपका ट्राइंगल के बाहर है। क्लियर? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्राइंगल मीन्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स, हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल एंड इक्विलेटर ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स ऑफ द डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिनकी लेंथ डिफरेंट हो, मीन्स सारी साइड आपकी अलग अलग लेंथ की हो, तो वो ट्राइंगल आपका क्या कहलाएगा? स्केलन ट्राइंगल कहलाएगा। अब देखिए इस फिगर में इसकी जो साइड है 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर है। ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर एंड बी सी 5 सेंटीमीटर, ये स्केलन ट्राइंगल है। मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसकी सबकी साइड अलग अलग हो वो क्या कहलाएगा? स्केलन ट्राइंगल कहलाएगा। नेक्स्ट आइसोसेलस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ऐसे दो ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेलस ट्राइंगल। इन दिस फिगर पॉइंट पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, बोथ आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो इट इज आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसो मीन्स टू, आइसोसेलस मीन्स सच टाइप ऑफ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट इक्विलेटर ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटर ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें सबकी साइड सेम हो वो क्या कहलाएगा? इक्विलेटर ट्राइंगल कहलाएगा। सारी साइड सेम हो का मतलब सारे साइड की लेंथ सेम हो, मीन्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ऑल आर इक्वल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सो इट इज नोन एज इक्विलेटर ट्राइंगल। तो आइसोसेलस ट्राइंगल मीन्स सच टाइप ऑफ ट्राइंगल देयर इज ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ। आइसोसेलस ट्राइंगल ओनली टू साइड्स आर इक्वल एंड इक्विलेटर ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। इट इज द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ द साइड। नाउ अगेन ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, देयर आर ऑल्सो थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल मीन्स सच टाइप ऑफ ट्राइंगल हुव ऑल थ्री साइड्स इज लेस देन 90 डिग्री। इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज एन अक्यूट एंगल इच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल ट्राइंगल। सपोज ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सो इट इज नोन एज द अक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसका सिर्फ एक एंगल राइट एंगल हो। इफ अ ट्राइंगल हैज वन ऑफ इट्स एंगल इज राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल राइट एंगल है तो बचे दोनों एंगल आपके अक्यूट एंगल होंगे, लेस देन 90 होंगे। नाउ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल सच टाइप ऑफ ट्राइंगल हुज वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट उसकी वैल्यू 180 से कम हो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल वी कैन डिवाइड ट्राइंगल इंटू थ्री पार्ट, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 20A। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 20A, एक्सरसाइज 20A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 3। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑल दिस क्वेश्चन एंड फ्रॉम 1 to 3 ऑन दिस पेज एंड फ्रॉम 4th क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज। सो आई विल शो यू ऑन नेक्स्ट पेज। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 and 5, 6, 7, 8, 9। नाइन्थ इज योर लास्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज MCQ टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सो नो नीड टू राइट क्वेश्चन नंबर 10। सो टेक ए स्क्रीन शॉट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 9। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। हेयर इन क्वेश्चन नंबर 1, इन द एडज्वाइनिंग फिगर नेम द साइड अपोजिट टू एंगल आर। एंगल आर के अपोजिट साइड कौन सी है?
फर्स्ट पार्ट साइड अपोजिट टू एंगल आर, साइड अपोजिट टू एंगल आर इज इक्वल टू, एंगल आर के अपोजिट कौन सी साइड है, ये पी क्यू. क्लियर, इट इज फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट, द एंगल अपोजिट टू क्यू आर, क्यू आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, क्यू आर का है ये है ना, इसका अपोजिट एंगल आपका ये हो जाएगा. तो सेकेंड का आंसर क्या हो गया, एंगल पी. क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट, द वर्टेक्स अपोजिट टू पी आर, पी आर के अपोजिट वर्टेक्स, इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, पॉइंट क्यू. क्लियर. नाउ एक और है, द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स पी, द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स पी, अपोजिट वर्टेक्स पी के अपोजिट कौन सा साइड है, क्यू आर, इट इज योर फोर्थ पार्ट, क्यू आर एज ए आंसर. क्लियर, क्वेश्चन नंबर वन इज कंप्लीटेड. अब इसमें क्या क्या कहा था, एंगल आर के अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू, और साइड क्यू आर के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल पी, फिर साइड पी आर के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, एंगल वो सॉरी पॉइंट क्यू. देखिए पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए एंगल का साइन नहीं यूज हुआ है, और पी वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर, ये साइड क्यू आर हो गया. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, नेम द पॉइंट विच आर इन द ट्राइंगुलर रीजन ए बी सी, विच ऑफ दीज लाइन ऑन द ट्राइंगल ए बी सी. आपका ये है ए बी सी एज ए ट्राइंगल, ये फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू है, ए बी सी एज ए ट्राइंगल है. आपको बताना नेम द पॉइंट विच आर इन द ट्राइंगुलर रीजन, कौन कौन से पॉइंट ट्राइंगुलर रीजन में, विच ऑफ दीज लाई ऑन द ट्राइंगल, और कौन कौन से पॉइंट ट्राइंगल के ऊपर हैं. तो द पॉइंट विच आर इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, पॉइंट ओ, ये ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ना, सो इंटीरियर पॉइंट कौन सा हो जाएगा ट्राइंगुलर रीजन में, नेम द पॉइंट विच आर इन द ट्राइंगुलर रीजन, इसके लिए कौन सा हो जाएगा पॉइंट ओ. क्लियर. उसके बाद कह रहे विच आर लाई ऑन द ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट एक्स, पॉइंट जेड, पॉइंट वाई, एक्स वाई जेड, आप ऐसे लिखिएगा पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई एंड पॉइंट जेड. ओके, विच पॉइंट लाई ऑन एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के एक्सटीरियर पॉइंट कौन से, ए बी सी के बाहर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, सो पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू एज ए एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी. क्लियर, बस इतना ही आपको लिखना है. अच्छा, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर थ्री, इट इज योर थर्ड क्वेश्चन, स्टेट फॉर ईच ट्राइंगल वेदर इट इज स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल. स्केलन का मतलब हो गया ऐसा ट्राइंगल जिसमें सबके साइड आपके अलग अलग होते हैं. तो देखिए ये ट्राइंगल के तीनों साइड अलग हैं तो ये स्केलन कहलाएगा, इसके दो साइड सेम है तो ये आइसोसेलेस कहलाएगा, और इसके तीनों साइड सेम है तो ये इक्विलेटरल कहलाएगा. यहाँ पर दो साइड सेम है, टू साइड्स आर इक्वल, 3.5 3.5, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल. ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, सो इट इज स्केलन ट्राइंगल. सो आपको इसको नेमिंग करनी कि कौन सा ट्राइंगल क्या होता है, स्केलन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर, स्टेट फॉर ईच ऑफ द ट्राइंगल शो इन ए फिगर वेदर इट इज अक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस. अक्यूट एंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो. राइट एंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री हो, एंड ऑब्ट्यूस मीन्स ओनली वन एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो. अक्यूट में तीन के तीनों लेस देन 90 होगा, राइट एंगल में सिर्फ एक होगा, एंड ऑब्ट्यूस में सिर्फ एक होगा, ये समझिएगा. सो 40, 80, 60 सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री है, सो ये आपका अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा. वन एंगल इज मोर देन 90, सो इट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, एंड वन एंगल इज राइट एंगल, सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. क्लियर, अक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट एंगल ट्राइंगल. हियर वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, सो इट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. ऑल थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री, सो इट इज अक्यूट एंगल ट्राइंगल. हियर ओनली वन एंगल इज राइट एंगल, सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव. फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फाइव, क्लासीफाई द ट्राइंगल्स द मेजर ऑफ हूज साइड्स आर गिवन बिलो एज स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल. आपको ये बताना है कि इसके साइड जो दिए गए हैं वो स्केलन, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल में से कौन सा है. सबसे पहला काम 3, 4, 5, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, सो इट इज स्केलन ट्राइंगल. ओके, फर्स्ट पार्ट एज ए इंडिकेटेड एज ए साइड ऑफ स्केलन ट्राइंगल.
Now in second part, 6.8, 8 and 6.8, two sides are equal. So it is the sides of a isosceles triangle. Here all three sides are different, 7.8, 8.7 and 9.3. देखिए ये order change है but length अलग अलग है. So it is scalene triangle. Here 5.5, 5.5, 5.5. It is equilateral triangle. And here x, y, x, two sides are equal, both are equal to x and x centimeter. So it is isosceles triangle. In here, sixth part, x, 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 all three sides are equal, each side of equal to x centimeter. So it is equilateral triangle. Clear? Now question number six, classify the triangle whose measure are given below as acute, obtuse or right angle. 39, 58, 83, all three angles less than 90 degree. So it is acute angle triangle. 20, 65, 95, one angle more than 90 degree, so it is obtuse angle triangle. And 30, 60, 90, one angle is right angle, so it is right angle triangle. 31, 10, 9, 40, more than 90, so it is obtuse angle triangle. All three angle, one angle is 90 degree, so it is right angle triangle. And here all three angle less than 90 degree, so it is acute angle triangle. Clear? Now question number 7. Look at the given figure alongside and answer the following question. Name the equilateral triangle. अब इसमें जैसा देखिएगा, ये साइड 4 है, ये 4 है, ये साइड क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ना, मीन्स ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, मीन्स ट्राइंगल पी क्यू आर ये क्या हो गया, इक्विलेटर ट्राइंगल हो गया, क्योंकि इसकी सबकी साइड सेम है. कितनी कितनी है, 4, 4 एंड 4, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 सेंटीमीटर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर एज ए इक्विलेटर ट्राइंगल्स. और कोई इसमें ट्राइंगल आपको ऐसा दिख रहा है जो इक्विलेटरल हो, जिसकी लेंथ सेम हो, और कोई ट्राइंगल की लेंथ सेम है यहाँ पे, नहीं ना. सेकेंड पार्ट, नेम द आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब हो गया ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी साइड सेम हो. अब वो कौन कौन से ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस है, पी एस एंड पी एन, दोनों की साइड देखिए 3 एंड 3 सेंटीमीटर है, ये तो 2 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल पी एस एम आर आइसोसेलेस ट्राइंगल. फर्स्ट पार्ट था आपका इक्विलेटर ट्राइंगल, तो फिगर से कौन सा इक्विलेटर ट्राइंगल मिला था आपको, ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर. क्लियर? आइए फिगर ड्रॉ कर देते हैं. पहले कुछ इस तरीके का डायग्राम है, पॉइंट पी क्यू एस, एक और टी है, उसके यहाँ पे एम है, यहाँ पे आर है, टी को भी ड्रा कर लिया जाता है, ठीक है, इट इज़ पॉइंट टी. अब इसको लेंथ लिख दें 4 सेंटीमीटर, हियर 4 सेंटीमीटर, एंड सेंटीमीटर नहीं लिख रहे, सिर्फ लेंथ लिख दे रहे, 3 सेंटीमीटर, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इट इज़ राइट एंगल, 1, 1, 1 एंड 1 सेंटीमीटर गिवन. क्लियर? आपसे पूछा था इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल पी क्यू आर एज ए इक्विलेटर ट्राइंगल. क्यों? क्योंकि पी क्यू क्यू आर आर पी, पी क्यू क्यू आर एंड आर पी सब सेम है ना, सब 4 सेंटीमीटर था, इसलिए ये सेम हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, नेम द आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब आपको क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है. अब इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स हुज टाइप ऑफ ट्राइंगल आर टू साइड्स आर इक्वल, मीन्स ट्राइंगल पी एस क्या होगा, पी एस आर में देखिएगा, ये लेंथ आपकी 3 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, मीन्स पी एस इज इक्वल टू पी एम, तो ये ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा. कौन कौन सा ट्राइंगल, पी एस एम, पी एस एम, ये ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है. क्लियर है? एक ट्राइंगल और है, ट्राइंगल पी एस आर, देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ आपकी 3 सेंटीमीटर है, 1, 1 प्लस 1, 3 सेंटीमीटर, मीन्स हम लिख सकते हैं ट्राइंगल पी एस आर. क्लियर? देखिएगा यहाँ से पी एस आर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ऐसे इधर पी एम क्यू 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ना, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 सेंटीमीटर. तो एक ट्राइंगल आपको और क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल पी एम और क्यू, ये तीनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए. नाउ फोर्थ, सॉरी थर्ड पार्ट,
अब थर्ड पॉइंट में आपसे पूछा जा रहा है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल मीन्स ऐसे ट्रायंगल जिनकी सारी साइड मीन्स ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, सारी साइड क्यों अलग अलग लेंथ की हो। तो अब आप इस ट्रायंगल में से आपको ये ढूंढना है कि इसमें से कौन कौन सा स्केलन ट्रायंगल है, किस तरीके का ट्रायंगल बनेगा कि सारी साइड आपकी अलग अलग होगी। पहला हो गया ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस। देखिए ये लेंथ 4 हो गई, ये लेंथ 3 हो गई, ये लेंथ 1 हो गई। तो पहला तो ये हो गया आपका। सेकेंड हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू टी, पी क्यू एंड टी। अब देखिएगा पी क्यू टी ऐसा क्यों, ये लेंथ आपकी 4 है, ये लेंथ आपकी 2 है, ये लेंथ तो दी नहीं गई है तो अलग अलग लेंथ होगी, 4 2 है, ये कुछ और मिलेगी आपको। एक और हो गया आपका ट्रायंगल पी टी आर, ट्रायंगल पी टी आर, पी टी आर। जैसे इधर पी क्यू टू था वैसे इधर पी क्यू आर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। एक और इसमें से निकाल लेते हैं ट्रायंगल पी टी एम, वेयर इज पी टी एम, पी टी एम। जैसे पी टी एस ले सकते हैं वैसे पी टी एम ले सकते हैं, 3 1 एंड ये डिफरेंट लेंथ है। और एक और आ जाएगा आपका ट्रायंगल पी एस टी या पी टी एस, पी टी एस, पी टी एम। क्लियर, इट ऑल दीज आर स्केलन ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट गिवन दैट फाइंड द नेम ऑफ द ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ऑब्ट्यूस मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री है, ये आपका मोर देन 90, ये आपका मोर देन 90 डिग्री है। तो ऑब्ट्यूस एंगल में कौन कौन सा आएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी वेट, अक्यूट एंगल। ट्रायंगल फोर्थ पार्ट इज अक्यूट एंगल, पी क्यू आर, सच टाइप ऑफ एंगल ट्रायंगल हुज ऑल थ्री साइड्स इज लेस देन 90 डिग्री। तो देखिएगा पी क्यू आर के सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री ना, अक्यूट एंगल है। सो ट्रायंगल पी क्यू आर सेम एज ट्रायंगल पी एस आर, ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल पी एस एम। अब जरा से देखिए पी एस आर, पी एस आर अक्यूट एंगल ट्रायंगल, पी एम क्यू इज अक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड पी एस टी, सॉरी पी एस एम इज अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑल दीज एंगल नोन एज अक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाउ फिफ्थ पार्ट, इन फिफ्थ पार्ट इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज नेम द ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल मीन्स हुज वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। सो फर्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल इज ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी एम आर। पी क्यू एस मीन्स पी क्यू एस इट इज ऑब्ट्यूस एंगल, सेम एज हियर पी एम आर इट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पी एम एस नॉट पी एम आर, पी एम आर इज करेक्ट आंसर। क्लियर, नाउ सिक्स्थ पार्ट, इन सिक्स्थ पार्ट इट इज गिवेन दैट राइट द राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि। अब राइट एंगल में क्या होगा, ट्रायंगल पी टी एस, ट्रायंगल पी टी एस, ट्रायंगल पी टी क्यू। देखिए ये राइट एंगल है ना, ट्रायंगल पी टी क्यू सेम एज हियर ट्रायंगल पी टी एम, ट्रायंगल पी टी एम एंड ट्रायंगल पी टी आर, ट्रायंगल पी टी आर। यहाँ जहाँ पे ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल होगा वो ट्रायंगल आपका क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन दैट ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलेस बट नॉट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्विलेटरल। ऐसे क्यों, अब जैसा सुनिएगा इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस में होता क्या है। सपोज कर लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 6 6 एंड 6 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये इक्विलेटरल भी कहलाएगा और ये आइसोसेलेस भी कहलाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इक्विलेटरल का सेंस ये हो गया जिसकी तीनों साइड सेम हो जाए, ये क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहलाएगा ना, लेकिन ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस और इक्विलेटरल दोनों कहला रहा है। बट अगर सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ये इक्विलेटरल है। अब ये वाला ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ आपका आइसोसेलेस कहलाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दो साइड आपकी सेम है, तीसरी डिफरेंट है। इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड सेम होती है। तो आइसोसेलेस की डिफिनेशन ये होती है कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देन सच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज द आइसोसेलेस ट्रायंगल।
एंड इक्विलेटरल मीन्स ऑल थ्री साइड्स, तो जब तीनों साइड सेम है तो दो तो सेम होगी, तो जो ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल है वो आइसोसेलेस कहलाएगा। बट आइसोसेलेस होने पर वो कन्फर्म नहीं कि इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस इक्विलेटरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता है के लिए कंडीशन ये, हो सकता है के लिए कंडीशन ये। तो सीधी वाली कंडीशन तो है कि इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल मीन्स इट इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल, बट अ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस इट इज नॉट कन्फर्म दैट इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हियर इन क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, नेम ईच ऑफ देम। इस फिगर में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं उसकी नेमिंग करना। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर हिंट में क्या कर दिया, हर ट्राइंगल के पोजीशन को नंबरिंग कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, और एक ये बड़ा सा ट्राइंगल है आपका ए बी सी। अब आपको नेमिंग के हिसाब से बताना है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, ये तो ट्राइंगल बन ही रहते। अब देखिए अगर 2 प्लस 3 को ऐड कर दें तो एक ट्राइंगल आपका बन जाएगा एल एम क्यू, ठीक है ना। और उसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल 3 एंड 2 एंड 5 को ऐड कर दें तो एल क्यू आर, ऐसे 3 4 को ऐड कर दें तो एल एम आर, एंगल 5 तो हो चुका है, एक ट्राइंगल आपका हो जाएगा एल पी एल आर पी एम क्यू। तो इस तरीके से ट्राइंगल को ऐड करते जाएंगे तो बस आपको ये देखना है ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, अदरवाइज क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा तो आप नहीं इंडिकेट करिएगा। तो इसको देख के समझ जाइए, अगर से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।